हेलो दोस्तों, मार्टेल मैकेनिकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवीएस वेगो के पिस्टन रिंग फिटिंग कैसे करते हैं। देखिए गाइस, ये है इनलेट और ये है आउटलेट। आप देख रहे हैं ये तीर वाला निशान एग्जॉस्ट की तरह रहना चाहिए। तो गाइस देखिए, ये है माले कंपनी का पिस्टन। तो गाइस, आज का इस वीडियो में रिंग फिटिंग की जानकारी पूरी मिलेगी आपको। सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा। तो भाई देखिए, ये है उसकी वेल्डिंग और उसके बाद जो दो रिंग पतली रिंग आती है, तो देखिए ये वेल्डिंग की बगल में लगती है। उसके बाद टॉप टू रिंग बोलते हैं उसको, देखिए ये सबसे अलग और ब्लैक कलर की होती है। देखिए उस पर टॉप टू लिखा होता है, देखिए। और ये है टॉप वन रिंग, ये दोनों कॉम्प्रेशन रिंग है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में रिंग फिटिंग कैसे करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले ये है ऑयल रिंग और ऑयल रिंग को चेक कर लेना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले ये मैं ऑयल रिंग लगा रहा हूँ, तो देखिए। तो गाइस, सबसे पहले ख़ास आपको ये ध्यान रखना है कि ऑयल रिंग लगाते समय उसका एम भी बनना चाहिए, जहाँ इन भागों पर उसका एम बनता है। देखिए, तो ये मैंने बना दिया है। इसके बाद जो उसके बगल में लगती है दो पतली वाले रिंग, देखिए उसका भी गैपिंग आपको मैं दिखाऊंगा कहां पर आता है। तो सबसे पहले जहां एम बना है उसके थोड़े से आगे उसका कट रहना चाहिए पतली वाली रिंग का। तो गाइस देखिए, ये है पहला कट। तो ये पतली वाली रिंग मैंने लगा दी है और ये है उसका पहला कट जहाँ एम बनाया था, सब थोड़े आगे उसका कट रहना चाहिए। और ये उसकी पतली वाली जो दूसरी रिंग है उसका कट कहाँ रहना है, बिल्कुल उसके सामने एग्जॉस्ट की तरफ उसका कट रहना चाहिए। तो गाइस देखिए, ये मैंने दूसरा कट आपको ऑयल रिंग का पतली वाली रिंग का मैंने बता दिया है। तो गाइस एंड तक मेरा वीडियो देखना है। तो गाइस देखिए, ये है पहला कट और बिल्कुल उसके सेंटर में उसका दूसरा कट रहना चाहिए। और ये तीर वाला निशान नीचे की तरह, और ये है इनलेट और ये है आउटलेट, और तीर वाला निशान एग्जॉस्ट की तरह रहना चाहिए। तो गाइस देखिए, ये है उसकी टॉप टू रिंग सबसे अलग ब्लैक कलर की होती है। तो गाइस इसका कट आपको देखिए कहाँ रखना है। तो टॉप टू रिंग का कट गाइस जहाँ कार्बोरेटर का सप्लाई आता है इनलेट भाग, यहाँ उसका कट रहना चाहिए। और ये है टॉप वन रिंग, तो उस रिंग का कट एग्जॉस्ट की तरह रहना चाहिए, जहाँ तीर का निशान आता है उसी तरह उसका कट रहना चाहिए। और गाइस टीवीएस वेगो और जुपिटर का रिंग एक ही असेंबल फिटिंग है। तो गाइस देखिए, ये है पहला कट टॉप टू का जहाँ कार्बोरेटर का सप्लाई आता है, और ये टॉप वन रिंग उसका कट एग्जॉस्ट की तरह रहना चाहिए जहाँ तीर का निशान दिखा रहा हूँ मैं, देखिए। तो गाइस देखिए, ये पूरी रिंग फिटिंग हो गई है। रिंग का गैपिंग कहाँ आता है इस वीडियो में आपको मैंने पूरा दिखाया है। तो गाइस यही सही तरीका है, इस तरह आप रिंग का फिटिंग करोगे तो आपकी गाड़ी कभी धुआं भी नहीं निकालेंगे, और यही सही तरीका है रिंग फिटिंग का। और ये और गाइस, इस तरह रिंग आप लगाओगे तो आपकी गाड़ी कभी भी धुआं नहीं निकालेगी। और अगर गाइस हमारी चैनल पसंद आई, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना।